इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पॉर्न फिल्म रैकेट में फंसे राजकुंद्रा की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी जल्द ही राजकुंद्रा पर एफआईआर दर्ज करेगी। सूत्रों के मुताबिक राजकुंद्रा को फेमा के तहत समन दिया जा सकता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पॉर्न रैकेट में कुंद्रा के यस बैंक के खातों और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका यानी कि यूबीए के अकाउंट के बीच लेन देन की जांच की जानी है। इस बीच कुंद्रा केस में जांच की आंच शिल्पा शेट्टी तक पहुंच गई है। शुक्रवार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजकुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को आमने सामने बिठाकर करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। राजीव सिंह मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। राजीव, दो बड़ी खबरें इस मामले में, एक शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की गई, उनसे क्या क्या पूछा गया, और दूसरा अब ईडी भी केस दर्ज करेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको शिल्पा शेट्टी से जो 5 से 6 घंटे तक पूछताछ हुई उसके बारे में बता दें, क्योंकि राजकुंद्रा की जब गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद में क्राइम ब्रांच को इस बात की जानकारी मिली कि जिस दरमियान राजकुंद्रा से पुलिस कस्टडी में पूछताछ की जा रही थी, उसी दरमियान कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। तो वो एविडेंसेस किसने डिस्ट्रॉय किया, क्या शिल्पा शेट्टी का इसमें कोई रोल है, उनके माता काम करने वाले किसी अन्य कर्मचारी का कोई रोल है, उसको लेकर पूछताछ की गई। इसके अलावा जो बैंक खाते हैं उन बैंक खातों के जरिए क्या शिल्पा शेट्टी के भी बैंक अकाउंट में भी किसी तरह का कोई अवैध लेन देन हुआ है, उसको लेकर पूछताछ की गई। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इस खबर पर आपसे पल पल का अपडेट देते रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।